एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, चार चार औरतों से एक ही दिन में शादी कर ली। यकीनन आप सुन के हैरान हो, क्योंकि मर्द दो तीन शादियां तो करते हैं, लेकिन एक ही दिन में एट अ टाइम चार औरतों से शादी कर ली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, ये वाकया है कुवैत का, जहाँ पर 28 साल एक लड़के ने चार औरतों से एक ही दिन में शादी कर ली। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी अपनी बेगम के साथ लड़ाई हुई थी, जो कि उसकी सबसे पहले वाली बेगम थी, जिसके बाद दोनों की सेपरेशन होगी। और उस लड़की ने इसको कहा था कि तुम्हें मैं छोड़ के जा रही हूँ, और तुमसे मेरे अलावा और कोई भी शादी नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। जिसके बाद जी उस कुवैती लड़के को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि अब इसको मैं बताता हूँ। उसने चार खबातीन ढूंढी, इसके बाद उनसे ये भी नहीं कि एक एक करके, नहीं, चारों के साथ एक ही टाइम पर इकट्ठी शादी कर ली। और उसको प्रूफ किया कि तुम गलत कह रही थी, मेरे साथ लड़कियां शादियां कर सकती हैं, और वो भी चार चार ने एक ही टाइम कर ली है। अब भाई ये बात तो वाजह है कि लड़के ने सेपरेशन को या फिर तानों को बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया। मोमेंट ये होता है कि जब कोई लड़की छोड़ के जाती है तो हम मोटिवेशन में के कुछ बन कर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। यहाँ साहब की बेगम क्या छोड़ दी गई, इन्होंने चार चार शादियां कर ली, वो भी एक ही दिन में। अब शायद इनको ये नहीं पता था कि चार चार जब इकट्ठी करेंगे तो इनके अपने ही बहुत से मसाइल होंगे, ये बातें इन्होंने नहीं सोची। लेकिन इन्होंने पहले एक बात सोच ली कि मैंने अपनी बीवी को गलत प्रूफ करना है, मैंने अपनी एक्स वाइफ को गलत प्रूफ करना है, और इन्होंने चार चार लड़कियों से एक ही दिन में शादी कर ली। लोग कमेंट सेक्शन में इनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई हमसे एक बीवी नहीं संभाली जाती, तुमने चार चार ले लिया, वो भी एक ही दिन में, तुम चार चार बीवियों को कैसे संभालोगे, तो तुम्हें पागल कर देंगे, तुम्हारा दिमाग खा जाएंगे। इसके साथ साथ लोग इनको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि उनका ये कहना है कि अरबियों का काम क्या है, सिर्फ शादियां करते रहना और पैसे उड़ाते रहना। खैर बहुत से लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं, बहुत से लोग इसको फन में ले रहे हैं, बहुत से लोग इसको बदले की आग में ले रहे हैं। इस तरह से सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में इतने भी लोग हैं, वो डिवाइड हुए हैं। खैर आपको ये खबर सुनकर कैसी लगी, आपको इस 28 साल कुवैती लड़के का बदला कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।